कांग्रेस पार्टी महिला विंग कल्याण बोर्ड की राज्य की सदस्य सपना दुग्गल ने हाल ही में एक मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति की दाढ़ी जलाने के प्रयास कुछ शरारती तत्वों द्वारा किए जाने की निष्पक्ष जांच पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार से की है। सपना दुग्गल ने बताया कि उन्होंने नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर वे पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग लेकर पहुंची हैं। दुग्गल ने बताया कि ये घटना 1 अक्टूबर की है, जब रात के समय एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ कुछ शरारती तत्वों द्वारा उसकी दाढ़ी जलाने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने विरोध भी जाहिर किया था। सपना दुग्गल ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई, साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। 1 तारीख के दिन की बात है ये, जब मैं अपने कमरे में सोई हुई थी तो एक बाहर जो मेरे रूम के बाहर थोड़ी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, मेरे को नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक लेडीज बोल रही थी, दीदी दीदी बाहर निकलो, कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, किसी पागल को मारा जा रहा है। तो वो दिन से उसको तंग कर रहे थे, उसका बोलना था कि वो दिन से उसको तंग कर रहे थे। मैं दिन में वहाँ नहीं थी, तो शाम को ऐसे हुआ कि जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैं अपने रूम के बाहर देखती हूँ कि वो उस पागल को जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था, संदीप शर्मा। फिर आगे आगे ले जाते वो ले गया ठेके के सामने उसको। जब ठेके के सामने लेके गए, वहाँ उसको बिठाया, एक दीनानाथ जी थे, एक लड़का और उनके वहाँ पंजाब से आया हुआ है वो था, और एक संदीप शर्मा हो गए, 3-4 लोग थे वो वहाँ पे, एक ठेके के जो कर्मचारी होते हैं वो थे। तो उसके बाद ऐसे करते हैं वो कि उस बंदे को मारते हैं और लाइटर से सर उसकी दाढ़ी में आग लगाई जाती है।